नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। रक्षाबंधन हो या भाई दूज, ये दोनों ही त्यौहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते में मिठास घोलते हैं। रक्षाबंधन जहां हर साल श्रवण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, वहीं भाई दूज 5 दिन के दीप उत्सव के समापन में मनाया जाता है। भाई दूज रक्षाबंधन की तरह एक पवित्र त्यौहार है, पर इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र या फिर राखी नहीं बांधती हैं। रक्षाबंधन के बाद भाई दूज ऐसा दूसरा त्यौहार है जो भाई बहन के अगाध प्रेम को समर्पित है। वैसे तो रक्षाबंधन और भाई दूज के पर्व में सिर्फ एक रक्षा सूत्र का फर्क है, लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि कैसे दोनों ही त्यौहार को मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों की दाहिनी कलाई में राखी बांधती हैं, उनका तिलक करती हैं और उनसे अपनी रक्षा का संकल्प लेती हैं। इसके बाद भाई बहनों को उपहार देते हैं। वहीं भाई दूज में सबसे पहले बहन भाई दोनों मिलकर यम चित्रगुप्त और यम के दूतों की पूजा करते हैं और सबको अर्घ देकर बहन भाई की लंबी उम्र के लिए यम की प्रतिमा का पूजन कर भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। इसके बाद बहन भाई को भोजन कराती है। भोजन के बाद भाई को तिलक लगाती है। इसके बाद भाई बहन को उपहार देते हैं। खास बात यह है कि इन दोनों ही त्योहारों पर बाजार का बीते 2 दशकों में काफी प्रभाव रहा है, पर उसके अलावा ये दोनों ही त्योहार भाई बहन के रिश्तों को और भी मजबूत करते हैं और इसमें और भी मिठास घोलते हैं। तो इस तरीके की और खास खबरों के लिए, स्टोरीज के लिए देखते रहें अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।